हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बेसन की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पर सामग्री ली है। एक टमाटर लिया है, एक प्याज लिया है, तीन हरी मिर्चें ली हैं और मैंने एक चुटकी मीठा सोडा लिया है, दो चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरा धनिया लिया है गार्निशिंग के लिए और एक बड़े कप से मैंने बेसन लिया है। मैंने यहाँ धनिया लिया है, हल्दी, लाल मिर्च, नमक और गरम मसाला और आधा कप मैंने मलाई ली है। तो जो बेसन है इसमें हमें एक पिंच जो मैंने मीठा सोडा लिया है वो डालना है और इसमें नमक स्वाद अनुसार डालना है और 1/4 से भी कम हमें इसमें हल्दी डाल देनी है और एक छोटे चम्मच से हमें इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है और इसमें हमें एक चम्मच सरसों का तेल डाल देना है और इसे आटे की तरह हमें गूंद लेना है। एकदम इसे हमें टाइट गूंदना है। पहले इन सभी चीजों को अच्छे से हमें मिलाना है और उसके बाद इसमें हमें पानी डाल डालकर इसे आटे की तरह टाइट गूंदना है। बेसन को मैंने आटे के जैसे गूंद लिया है और इसके लंबे लंबे रोल बना लिए हैं। इसे हमें पानी गर्म करना है और इसमें इसे हमें बॉयल करना है। पानी गर्म हो गया तो मैं इसमें ये बॉयल होने के लिए डाल दूंगी और इसे ढक देंगे। पानी में पूरा अच्छे से डूब जाना चाहिए और इसे हमें तब तक बॉयल करना है जब तक कि ये थोड़े फूलकर मोटे ना हो जाए। इन सभी चीज़ों का हमें पेस्ट बना लेना है, लहसुन का, टमाटर का और हरी मिर्ची का। जब तक हमारे बेसन के गट्टे बॉयल होते हैं तब तक हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। तो ये जो मैंने पेस्ट बनाया है इसमें मैं 1/3 चम्मच हल्दी डाल दूंगी, 1/3 चम्मच धनिया डाल दूंगी, लाल मिर्ची डाल दूंगी अपने स्वाद अनुसार और 1/4 से भी कम गरम मसाला डालूंगी। जैसा भी आप खाते हैं उस हिसाब से आप मसाले डाल सकते हैं। और यहाँ तेल गरम हो चुका है, इसमें मुझे ये मसाला जो हमने तैयार किया है ये डाल देंगे। इसे अच्छे से मिला लेंगे और मिलाने के बाद डाल देंगे इसे। इसे हमें ढक कर तब तक भूनना है जब तक ही मसाले से तेल ना अलग हो जाए और ये से कलर चेंज ना हो जाए। और ये हमारे बेसन के गट्टे बॉयल हो रहे हैं, थोड़े बॉयल हो चुके हैं। बेसन के गट्टे हमारे तैयार हो गए हैं। इसको हमें इस पीस में काटना है। इसको बॉयल करने में मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं। मैं इसे काट लेती हूँ। मसाले को हमें बीच बीच में चलाते रहना है ताकि ये चिपके नहीं। और यहाँ मैंने इसे पीस पीस करके काट लिया है। हमें एक फ्राई पैन में तेल डालकर गर्म करना है। 1 चम्मच तेल डालना है हमें इसमें। ये गर्म हो चुका है, इसमें हम ये बेसन के गट्टे इस तरीके से डाल देंगे ताकि ये एक तरफ से अच्छे से सिक जाए। और जब ये अच्छे से सिक जाएगा फिर हमें दूसरे तरफ से पलट देना है। एक तरफ से अच्छे से सिक जाने के बाद इसे हमें दूसरी तरफ से भी अच्छे से सेकना है। गट्टे भी हमारे अच्छे से सिक गए हैं और मसाला भी तैयार हो गया है। इसमें हम मलाई डाल देंगे और इसे 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनेंगे। भूनने के बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। जितने भी जैसी भी हम ग्रेवी रखना चाहें उस हिसाब से पानी डालेंगे। ग्रेवी में हमें स्वाद अनुसार नमक डाल देना है और इसे बॉयल होने देना है। बॉयल होने के 2 मिनट बाद हमें फिर बेसन के गट्टे डालने हैं। बॉयल होने से पहले हमें इसमें थोड़ा सा गर्म मसाला भी डाल देना है। ग्रेवी बॉयल हो गई है, इसमें मैंने बेसन के गट्टे डाल दिए हैं और 2 मिनट के बाद गैस बंद कर देंगे। ये बेसन की सब्जी तैयार है। इसमें हम धनिया डाल के मिला देंगे अच्छे से। हमारी बेसन की सब्जी तैयार है। इसे आप घर पर ट्राई कीजिए और आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।